सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल बॉली क्रिक न्यूज़। तो कैसे हैं आप लोग? आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड एक्ट्रेस रवीना टंडन की अपकमिंग मूवीज़ के बारे में, और उनकी आने वाली है फिल्में 2022 से 2023 तक रिलीज कर दी जाएंगी। तो बिना गवाए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देयर विल बी नो मोर टॉलरेंस। मेरे पास भी हथियार है, घुस के मारेंगे। रवीना टंडन की फर्स्ट अपकमिंग मूवी का नाम है KGF चैप्टर 2। एक पैन इंडिया एक्शन पीरियड ड्रामा फिल्म होने वाली है, और इस फिल्म के राइटर और डायरेक्टर हैं प्रशांत नील। फिल्म में यश, संजय दत्त, श्रीनिधि शेट्टी, रवीना टंडन और प्रकाश राज इंपॉर्टेंट रोल्स में नजर आएंगे, और 2018 में ब्लॉकबस्टर फिल्म KGF चैप्टर 1 का सीक्वल होने वाला है। फिल्म में यश एक बार फिर से रॉकी का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे, और संजय दत्त खतरनाक विलन अधीरा का रोल प्ले करते हुए नजर आने वाले हैं, और इन दोनों के बीच जबरदस्त फेस ऑफ होने वाला है, जिसके लिए लगभग क्लाइमेक्स में 25 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। 100 करोड़ के बजट में बनाए गए इस फिल्म को 14 अप्रैल 2022 को थिएटर्स में रिलीज कर दी जाएगी, जो सीधा क्लैश करेगी थालापति विजय की फिल्म बीस्ट और शाहिद कपूर की फिल्म जर्सी से। इस फिल्म को कन्नड़ के अलावा हिंदी, तमिल, तेलुगु और मलयालम जैसे लैंग्वेजेस में भी रिलीज किया जाएगा। फिल्म में श्रृंदि शेट्टी रोके की गर्लफ्रेंड यानी कि रीना का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। रवीना टंडन एज रमिका सेन का रोल प्ले करेंगे, जो इंडिया की पावरफुल प्राइम मिनिस्टर हैं, जिनके पास बहुत सारे पावर्स हैं। और रमेश राव CBI अफसर का रोल प्ले कर रहे हैं। फिल्म को म्यूजिक दिया है रवि बसरूर ने, जिन्होंने शानदार म्यूजिक दिया है KGF चैप्टर 1 में और अंतिम फिल्म में भी। और इस फिल्म का रन टाइम है 2 घंटा 48 मिनट 6 सेकंड। इस फिल्म को होमेबल फिल्म्स के बनने तले बनाया गया है। वैसे इस फिल्म को पैन इंडिया बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना हो सकता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्या ये फिल्म बाहुबली 2, RR और दंगल जैसी फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मेरे दोस्त लायक कोई यार नहीं, मेरे दुश्मनी झेल सके ऐसी तलवार नहीं। सेकेंड नंबर पर है घुड़चड़ी। एक रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म होने वाली है। इस फिल्म के डायरेक्टर हैं बिनोय गांधी, जिनकी डेब्यू फिल्म होने वाली है। फिल्म में संजय दत्त, रवीना टंडन, पार्थ समथान और खुशाली कुमार लीड रोल्स में नजर आएंगे, और पार्थ समथान की डेब्यू फिल्म होने वाली है। फिल्म का स्क्रिप्ट लिखा है दीपक कपूर भारद्वाज और बिनोय गांधी ने। वैसे संजय दत्त और रवीना टंडन इससे पहले विजेता, क्षत्रिय, जमाने से क्या डरना जैसी फिल्मों में नजर आ चुके हैं, वहीं KGF चैप्टर 2 में भी दोनों ही साथ नजर आने वाले हैं। इसके अलावा पार्थ समथान और खुशाली कुमार भी बहुत सारे एल्बम में साथ नजर आ चुके हैं। इस फिल्म की शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है, जिसे 2022 के एंड तक या फिर 2023 में रिलीज कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये थी रवीना टंडन के अपकमिंग मूवीज की कंप्लीट लिस्ट। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप कौन सी फिल्म के लिए एक्साइटेड है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।